नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पुनः से आपके समक्ष अगले ग्रह बृहस्पति ग्रह के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा बृहस्पति देव कौन सी राशियों में उच्च के और कौन सी राशियों में नीच के परिणाम देते हैं और इसे हम कैसे जान सकते हैं बिगर कुंडली देखे ही। उसके कुछ लक्षण भी हमारे जीवन में दिखाई देते हैं। हम क्या ऐसा काम करें जिससे बृहस्पति देव प्रसन्न हो जाए? अगर वह कुंडली में खराब अवस्था में भी है तो वह हमारे अनुकूल परिणाम देना शुरू कर दे। यह सब मैं उपाय इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति कुंडली में एक अहम ग्रह की भूमिका निभाते हैं। यह शुभ ग्रह है। यह अगर कुंडली में अच्छी अवस्था में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति को हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों का शिक्षा स्तर भी बहुत उच्च का होता है और वह जीवन में अनेकों ऊंचाइयों को छूते हैं। अगर किसी कुंडली में अच्छी अवस्था में विराजमान होते हैं तो वह जीवन को सुखमयी बना देते हैं। तो अब हम यह जानते हैं कि इसके कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें हम बिगर कुंडली देखे भी अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी कुंडली में बृहस्पति देव की क्या स्थिति बनी हुई है। बृहस्पति देव शिक्षा, धन, ज्ञान के कारक ग्रह हैं। अगर कुंडली में इनकी अवस्था अच्छी होती है, इन क्षेत्रों में बहुत अच्छी पकड़ रहती है व्यक्ति, और वहीं अगर इनकी कुंडली में स्थिति खराब होती है तो ऐसे व्यक्तियों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पाता। ऐसे व्यक्तियों की लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कमजोर रहती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो बुध के अंतर्गत आती है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो देवगुरु बृहस्पति के अंदर आती है। ऐसे व्यक्तियों की लॉन्ग टर्म मेमोरी भी खराब होती है। और अक्सर यह भी देखा जाता है जिसकी कुंडली में गुरु की खराब स्थिति होती है तो ऐसे व्यक्तियों का अपने गुरुजनों के साथ अच्छे संबंध नहीं रहते। यही नहीं, ऐसे व्यक्तियों की बड़े बुजुर्गों के प्रति भी निरादर की भावना उनके दिल में रहती है। बृहस्पति की खराब स्थिति व्यक्ति में अहंकार की मात्रा को भी बढ़ा देता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को मूर्ख समझता है, क्योंकि अगर देवगुरु बृहस्पति की कुंडली में अच्छी अवस्था होती है, अच्छी अवस्था में देवगुरु बृहस्पति विनम्र बना देते हैं आदमी को, लेकिन वही खराब अवस्था होने के कारण वह व्यक्ति को निरादर की भावना उसके दिल में होती है बड़े बुजुर्गों के प्रति। ऐसे व्यक्तियों का अपने इंद्रियों में भी नियंत्रण नहीं रह पाता है। देवगुरु बृहस्पति की खराब स्थिति व्यक्ति को स्वार्थी बना देता है। ऐसे व्यक्तियों में भक्ति भाव की कमी पाई जाती है। ऐसा व्यक्ति भगवान पर विश्वास भी नहीं कर पाता। देवगुरु बृहस्पति की खराब स्थिति व्यक्ति को अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए ऐसा व्यक्ति तैयार रहता है। देवगुरु बृहस्पति की खराब स्थिति व्यक्ति में छल, कपट, धूर्तता, बेईमानी, अधर्म व अनैतिक कार्यों में वृद्धि भी कर देता है। ऐसे व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है, क्योंकि यह धन के कारक भी है। ऐसे व्यक्तियों को कर्जा अत्यधिक, जीवन में गरीबी, पैसा कमाने के बाद भी उसकी बचत न कर पाना, जीवन में आर्थिक स्थिरता, व्यर्थ के कार्यों में धन का खर्च होना, किसी न किसी प्रकार के गलत कार्यों की लत लग जाना, यह भी देवगुरु बृहस्पति की खराब स्थिति को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति धन के पीछे भागता है। वह कार्य कुछ भी ना करे, चाहता है कि मेरे पास बहुत सारा धन प्राप्त हो। संतान के कारक ग्रह भी हैं देवगुरु बृहस्पति। अगर कुंडली में इनकी स्थिति खराब होती है तो व्यक्ति में संतानहीनता की स्थिति, या अगर संतान होती है तो संतान रोगी, या तो संतान की उत्पत्ति बहुत विलंब से होती है। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों के चलने के बाद अपने संतान के साथ शत्रुता भी हो जाती है। हालांकि इसके लिए पंचम भाव भी देखा जाता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की भी इसमें अहम भूमिका रहती है। अगर किसी महिला की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की खराब स्थिति होती है तो उसके विवाह में बहुत ज्यादा कठिनाई आती है। ऐसी स्त्रियों के अपने पति के साथ संबंध भी खराब हो जाते हैं। इसके अलावा लीवर, गॉल ब्लैडर से संबंधित कमजोर शारीरिक विकास, कमजोर मानसिक विकास, पैरालिसिस, फैट, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ऑक्सीजन से संबंधित यह भी परेशानियां देवगुरु की खराब स्थिति को दर्शाती है। ऐसे में व्यक्ति क्या करे? अगर किसी भी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की यह स्थिति बनती है तो उसके लिए उस व्यक्ति को
कुछ अपने जीवन में परिवर्तन करने चाहिए। ऐसे व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत परिवर्तन बहुत जरूरी है। ऐसे व्यक्तियों को अपने अंदर सात्विक गुणों का विकास करना चाहिए और ज्ञानार्जन करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति में विनम्रता उसका ज्ञान ही उसे देता है। बुरी लतों से दूर होने का प्रयास करे ऐसा व्यक्ति, सत्संगति को अपनाए, बड़े बुजुर्गों गुरुओं का आदर सत्कार करे, मांस मदिरा इनसे दूरी बनाकर रखे। यह तो व्यक्तिगत जीवन के परिवर्तन थे जो मैंने आपको बताया कि इस तरह उस व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ परिवर्तन करने चाहिए। अब मैं आपको ज्योतिष से संबंधित उपाय बताता हूँ। सर्वप्रथम, जो देवगुरु बृहस्पति के आराध्य देव है भगवान विष्णु, जिस व्यक्ति की भी कुंडली में यह स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, उनके गजेंद्र मोक्ष या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और कुछ मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर हो सके तो एक मंत्र का 108 बार डेली जाप कीजिए। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। जो पहला मंत्र है विष्णु मूल मंत्र, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। जो दूसरा मंत्र है ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। और जो तीसरा मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इन मंत्रों का जाप तुलसी या हल्दी की माला से करना चाहिए। किसी भी एक मंत्र का जाप आप नित्य 108 बार कीजिए, इससे देवगुरु बृहस्पति की स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, यह वही व्यक्ति करे जो अपने जीवन में सात्विकता ला सके। आपको सात्विक जीवन ग्रहण करना पड़ेगा इस पाठ को करने के लिए, नहीं तो अगर सात्विक जीवन आप नहीं कर सकते ग्रहण, तो इस पाठ को ना करें, क्योंकि यह फिर नकारात्मक परिणाम देना शुरू कर देगा। घर के उत्तर दिशा में कभी भी शौचालय ना बनाएं। अगर जिसकी भी कुंडली में बृहस्पति देव की नकारात्मक स्थिति बनी हुई है, अगर वह उत्तर दिशा में शौचालय बनाता है घर के, तो वह और ज्यादा प्रभावी हो जाएगी। और उत्तर दिशा में कूड़ा इकट्ठा ना होने दें, यह भी देवगुरु बृहस्पति के नकारात्मक परिणामों को बढ़ाता है। गुरुवार के दिन गले में सोने की चेन या इंडेक्स अंगुली में आप सोने का छल्ला डाल सकते हैं। अगर जिसकी कुंडली में यह स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे व्यक्तियों को सभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, अपने गुरुजनों का सम्मान करें। इसके अलावा अगर किसी के घर में उसके बड़े बुजुर्ग जीवित ना हो, तो उनके नाम की हल्दी, पीली दाल, बेसन, केला का दान गुरुवार के दिन किसी गरीब बुजुर्ग को या गुरुओं को करना चाहिए। गुरुवार के दिन गरीब बच्चों में कॉपी किताब और कलम का दान करें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को सुधारा जा सकता है। इसके अलावा बात करें इनकी उच्च राशि और नीच राशि। देवगुरु बृहस्पति अगर किसी भी कुंडली में चार यानी कर्क राशि जो चंद्र ग्रह की राशि है, इसके अलावा 9 और 12 जो इनकी स्वयं की राशि है धनु और मीन, उन राशियों में यह उच्च की अवस्था में होते हैं। इसके अलावा शनि की 10 नंबर की राशि मकर राशि में यह नीच अवस्था में होते हैं। अगर किसी भी जातक की कुंडली में यह अवस्था बनी हुई है, शुभ हो अशुभ हो, अगर शुभ है तो यह जो उपाय है इन्हें करने के बाद उन्हें और ज्यादा बल प्रदान कर सकते हैं, और अगर अशुभ अवस्था में है तो यह उपाय कीजिए, इनसे धीरे धीरे कर वह परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा राहु केतु शनि से भी अगर यह दृष्ट होते हैं या उनके साथ युति में है, तो व्यक्ति को इन उपायों को जरूर करना चाहिए। अगर 6, 8 और 12 भाव में स्थित है, तब भी व्यक्ति को इन उपायों को करना चाहिए। तो यह थे देवगुरु बृहस्पति को बलवान बनाने के तरीके। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।